हैं गाइस, मैं हूँ यासर अदील और आप देख रहे हैं यासर ब्लॉग। तो आज हम अपने बाग में आए हैं, देख सकते हैं आप। तो आज हम आपको दिखाएंगे अपना बाग, आम का बाग है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। हमने ऑलमोस्ट तकरीबन सब शाम के लगाए हुए हैं आम। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो इसको बोलते हैं सिंदड़ी। इसकी बड़ी अम्मी होती है, मतलब आम बड़े बड़े होते हैं। देखें ये मोस्ट, मेरे ख्याल में ये सिंध का है, तो हम लोग ने भी लगाया हुआ है। ये हमने सिंधड़ी की लगाए हुए हैं सारे आम। तो ये देखें, पूरा हम आपको दिखाएंगे। इसके पीछे भी लगाए हुए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। तो एक एकड़ पूरा था तकरीबन हमने लगाया हुआ है सिंधड़ी का। गाइस, ये वाले इसको बोलते हैं सात रंगी, मतलब जब ये पक जाता है तो इसमें तक ऑलमोस्ट सात रंग आते हैं। तो इसकी खासियत ये है, आंधी आए तूफान आए तो इसके आम गिरते नहीं है, वैसे ही के वैसे रुके रहते हैं। देख सकते हैं आपके इसमें बहुत ज़्यादा आम लगे हुए। चक्कर लगे हुए साइज। ये वाला जो आम है ना, इसको बोलते हैं दूसरी। ये भी बहुत अच्छा होता है, मतलब मीठा होता है, लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं एज़ कम्पेयर टू चौंसा हो गया। जैसे चौंसा ज़्यादा खाते हैं, वैसे ये दूसरी भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये वाला है सफ़ेद चौंसा, जो कि आवाम बहुत ज़्यादा खाती है। और इसकी वैसे दो किस्में होती हैं, एक सफ़ेद होता है और काला होता है। काला भी आपको दिखाएंगे, काला चौंसा कौन सा है। तो ये है सफ़ेद चौंसा। इसकी अमली मोटी भी होती है, दूसरी पतली भी होती है। तो वैसे खाने में बहुत अच्छा होता है, मीठा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आवाम हर बंदे को इसका पता होता है सफ़ेद चौंसा। जो बंदा आता है उसने कहना है मैंने सफ़ेद चौंसा खाना।
आपको मैंने बोला था, दूसरा होता है काला चौंसा, वो है ये। ये देखते हैं आप, इसकी अमली काली होती है और ये लास्ट तक, जब सारे आम ख़त्म होते हैं तकरीबन, ये उस वक्त तक होता है, तब तक ये होता है। तो मतलब इसका वैसे इतने ज़्यादा लोग नहीं खाते, लेकिन खाते भी हैं, नॉर्मल खाते हैं। ये हमने गाय पनीरी लगाई हुई है आम के दरख्त की, जो भी कोई आम सूखता है तो फिर उसकी जगह ये वाले लगा देते हैं। कल हमने काफ़ी सारे लगाए हुए थे, तो अब जो सूख गए आम तो उनकी जगह हमने ये वाले लगा दिए हैं, तो अब ये थोड़े से बचे हुए हैं। अगर आम से ज़्यादा हो जाए तो बंदा इनको बेच भी सकता है। ये वाला है लंगड़ा, इसकी अमली गोल और मोटी होती है, लेकिन जब ये पकता है इसका पता नहीं चलता कि पक गया है कि नहीं। जैसे दूसरे मैंगोज होते हैं वो ना येलो हो जाते हैं, इसका नहीं पता चलता, ये वैसे ही ग्रीन से ग्रीन रहता है। इसका थोड़ी सी थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि ये पक गया है। लेट चौंसा, ये चौंसे की तीसरी किस्म है जो मैंने पहले आपको बताई नहीं। तो ये वाला भी लास्ट तक ही रहता है, तकरीबन लास्ट तक जाके ख़त्म होता है, लास्ट में सब ख़त्म हो जाते हैं फिर जाके ये पकता है। आपने हमारी वीडियो देखी तो आप बताएं आपको कैसी लगी, कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर किसी ने आम खाने हैं तो मेरा इंस्टाग्राम या कमेंट में मैसेज करें तो मैं आपको बताऊंगा, तो वो आ सकता है। अभी तकरीबन एक डेढ़ माह में आम पक जाएंगे, तो फिर इंजॉय करेंगे एक साथ में। जो भी खाना चाहता है वो आ सकता है।